हाय फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा डिजाइन है ये। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, गर्ल्स टॉप पे, लेडीज कार्डिगन पे, कि शॉल बना सकते हैं, मफलर बना सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये। तो आइए शुरू करती हूँ। देखिए, देखिए इसको, ये एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब यहां पर एक जाली देंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया, छह फंदा का डिजाइन है ये। एक दो तीन चार, चार पांच छह, छह फंदा का डिजाइन है, छह फंदा में कंप्लीट हो गया। अब फिर यहां से शुरू करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। फिर देखिए, एक एक जाली आ गया, एक दो तीन चार पांच छ, छह फंदा सीधा, धागा अपने तरफ। अब एक जाली, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, ये लास्ट का है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से हर बार जब भी आएंगे हम उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करेंगे। उल्टे की तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। इस तरह से फिर सीधे की तरफ, रो तीन, तीसरा रो, दो रो कंप्लीट हो गया, ये रो तीन, तीसरा रो। फिर इस तरह से बनाएंगे, एक फंदा सीधा। अब यहां पर हम दो को एक करेंगे, दो फंदा को लेकर एक करेंगे, दो फंदा को लेकर एक कर दिए। अब यहां पर एक जाली देंगे, एक फंदा सीधा, एक जाली, फिर यहां पर एक जाली देंगे और दो को एक करेंगे, एक जाली, दो को एक कर दिए। अब यहां पर एक फंदा सीधा, तो ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर यहां से दूसरा डिजाइन, अब एक फंदा सीधा और दो को एक करेंगे, इन दो फंदा को लेकर एक करेंगे, दो फंदा को लेकर एक कर दिए, धागा अपने तरफ, एक जाली, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली। अब यहां पर दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया, एक फंदा सीधा हो गया। अब यहां से दूसरा डिजाइन शुरू, तो एक फंदा सीधा, अब दो को एक करेंगे, फिर एक जाली देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली, फिर यहां पर दो को एक करेंगे, जाली देते हुए दो को एक कर दिए, एक फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। रो तीन कंप्लीट हो गया, रो चार, रो चार उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रो चार कंप्लीट हो गया, अब रो पांच, रो पांच इस तरह से बनाएंगे, यहां पर दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, दो को एक कर दिए। अब यहां पर धागा अपने तरफ लाएंगे, इस फंदा को हम स्लिप करेंगे, इसको स्लिप कर लिए। अब यहां पर एक
दो फंदा सीधा। अब इस फंदा को लेकर इन दोनों के ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे। फिर यहां पर धागा अपने तरफ। अब यहां पर जाली देते हुए दो को एक करेंगे, जाली देते हुए दो को एक कर दिए। फिर देखिए, अब यहां पर दो को एक करेंगे, धागा अपने तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक दो, दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इन दोनों के ऊपर से इसको हम स्लिप कर लेंगे। फिर यहां पर दो को एक करेंगे, जाली देते हुए दो को एक करेंगे, अब यहां पर फिर तो दो डिजाइन कंप्लीट हो गए। ये तीसरा डिजाइन है, दो को एक कर दिए। फिर यहां पर धागा अपने तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन दोनों के ऊपर से इसको हम स्लिप कर लेंगे। फिर यहां पर दो फंदा सीधा बुनेंगे और दो को एक करेंगे, एक फंदा, ये एक जाली आ गया, दो को एक कर दिए, एक फंदा सीधा आ गया। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये छह रो का डिजाइन है, छह रो में कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम दूसरा डिजाइन निकालेंगे, तो सेम रिपीट करेंगे दूसरे डिजाइन के लिए फर्स्ट रो के जैसा। अब यहां पर हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। यहां पर एक जाली देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब एक दो तीन चार पांच छ, छ फंदा सीधा। फिर यहां पर एक जाली देंगे, छह फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ, छ फंदा सीधा। फिर यहां पर एक जाली देंगे, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, ये लास्ट का है तो इसको सीधा बुनेंगे। अब रो दो दूसरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रो दो कंप्लीट हो गया। अब रो तीन दूसरा डिजाइन का, ये तीसरा रो है, तो इसको इस तरह बनाएंगे। फिर दो को एक करेंगे, यहां पर दो को एक कर दिए, धागा अपने तरफ, एक फंदा सीधा एक जाली, फिर एक फंदा सीधा एक जाली, सॉरी यहां पर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर अब दूसरा दूसरा डिजाइन का, एक फंदा सीधा और दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब यहाँ पर एक फंदा सीधा एक जाली, फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे, दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया, एक दो, दो फंदा सीधा। फिर यहाँ पर दो को एक कर दिए, एक जाली देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर यहां पर एक जाली देंगे और दो को एक करेंगे, एक जाली दो को एक कर दिए, एक फंदा सीधा, ये लास्ट का है तो इसको सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रो चार कंप्लीट हो गया। अब रो पांच, रो पांच, अब यहां पर दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए। अब यहां पर धागा अपने तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदा सीधा। अब इसके ऊपर से हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। फिर यहां पर जाली देते हुए दो को एक करेंगे, फिर यहां पर दो को एक करेंगे। अब यहां पर एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपने तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो को दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर यहां पर दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे, एक जाली दो को एक कर दिए। फिर यहां पर दो को एक करेंगे, धागा अपने तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर इसके ऊपर से इसको हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। फिर यहां पर दो को एक करेंगे,
जाली देते हुए, और ये लास्ट का है तो इसको सीधा बुनेंगे। रो 5 कंप्लीट हो गया, रो 6, रो 6 उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो गए। इसी तरह हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन बन के इस तरह से आएगा। देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइन है और कितना आसान डिजाइन है ये। बार बार इसी तरह रिपीट करेंगे, बन के इस तरह से आएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नए डिजाइन लेकर आप सभी के साथ।